फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि 15 नंबर की पैडागॉजी में ऐसा 7-8 टॉपिक है मुश्किल से कुल मिलाकर के, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझना है। यदि आपने सीडीपी को भी अच्छे से समझा हो, जो आपको पैडागॉजी में फिर समझना है, ऐसा कोई इशू होगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया, सही है सही है, कोई बात नहीं, घर से बैठ के आराम से पढ़िए। हाँ, मेरठ में भी आ गया है, बहुत सारे तो डिस्ट्रिक्ट जो हैं लॉकडाउन कर दिए हैं, दिल्ली को भी पूरा 7 डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल आ जाओ फटाफट से, कोरोना को छोड़ो अभी, यहाँ आते हैं, है ना, आराम से बैठ के पढ़ो, यहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना या होनी चाहिए। मतलब जो बच्चे की स्कूल की भाषा है, जो भाषा स्कूल में इस्तेमाल की जाती है, और जो भाषा घर पर प्रयोग करते हैं हम, उन दोनों में क्या होना चाहिए, मतलब कि जुड़ाव होना चाहिए, समरसता हो, समरूपता हो, या फिर अलगाव हो, बताएं एक बार, आंसर कीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड आंसर। सही है आंसर होगा समरसता। समरसता मतलब कुछ अडेप्टेशन, सामंजस्य हो, एक कुछ एडजस्टमेंट हो, कुछ बीच में, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी हो, काइंड ऑफ। ठीक, तो वो हम कहेंगे भाई, एक बेसिकली कुछ एलिमेंट्स जो हैं जो स्कूल में भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप भी समझ पाए जो बच्चा है उसके परिपेक्ष को, और स्कूल जो है घर के, और घर की जो भाषा है उसकी, इसलिए हम बहुभाषिता को प्रयोग में लाते हैं कि हम एक दूसरे की जो भाषा, स्पेशली जो बच्चे की भाषा है, उसको बिल्कुल नकार ना दें, है ना। जुड़ाव होना जरूरी नहीं है, बट कुछ हद तक जितना हो सके एक अडेप्टेशन हो, एक सामंजस्य हम बिठा पाए। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल समान नहीं हो सकती, बिल्कुल समान नहीं हो सकती, और हो भी सकती है, बट एक समरूप, एक समरसता होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप क्या करेंगे। भाई एकांकी के रूप में है एक पाठ, यानी एकांकी मतलब वन एक्ट प्ले, जिसमें एक सिंगल थीम पर ज्यादा फोकस किया जाता हो, कुछ इवेंट जो है वो, एक जो हीरो है या जो भी पात्र है, एक आध इवेंट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, मतलब वन एक्ट प्ले है, बहुत सारे इसमें जरूरी नहीं है बहुत सारे एक्ट्स हों। ठीक है, पात्र हो सकते हैं, बट जो थीम है वो सिंगल ही होती है। ठीक, तो ये जो एक अंक का नाटक कह सकते हैं जिसको, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, तो आप क्या करेंगे। भाई हिंदी है तो मैं तो इंग्लिश भी एक्स्ट्रा ही यूज कर रही हूँ, नहीं तो करनी तो हिंदी चाहिए। ठीक, पहला है, एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगे आप, या फिर शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, या फिर थर्ड ऑप्शन, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे, जो भी उसमें बातचीत हुई होगी उसको लिखवा देंगे, या हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे, बताएं एक बार क्या करेंगे, आंसर कीजिए फटाफट से बताइए। तो सबसे बेहतर क्या है, जहां बच्चे सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो, सबसे ज्यादा एक्टिव हो। ठीक, ये एक फंडा हो सकता है छोटा सा हमारे लिए। तो बात क्या होगी, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे। मंचन क्या है भाई, ये क्या है, एक्ट, वन एक्ट प्ले है, जब प्ले है, नाटक है, तो नाटक वैसे इसको नहीं कहेंगे, नाटक अपने आप में बहुत बड़ा फॉर्म हो जाएगा, लेकिन एक सिंगल एक्ट प्ले है, एक अंक का जो पूरी, जो भी इसमें प्रेडिक्शन है, जो भी हम पोर्ट्रे करेंगे, वो एक अंक में होगा, वन एक्ट में होगा। तो उस केस में आप क्या करवाएंगे, जब आपने शिक्षार्थियों से एक अंक की पढ़वा ली, उसके बाद आप मंचन कराएंगे, भाई करके दिखाओ इसको, जैसे वो बहुत पुरानी एक राजा वाजा की कोई कहानी थी इस तरीके की, या वो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, ये सब वाला जो है, ये भी सब वन एक्ट प्ले में ही आते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को मंचन करने के लिए कहेंगे, जिससे उनके ज्यादा सेंसेस एक्टिव हों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा। ये कुछ हिंदी साहित्य की विधाएं हैं जिनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई आप सभी विधाओं पर फोकस करते हैं अलग अलग एज में, अलग अलग स्टेज में, जैसे कि नाटक हुआ, एकांकी हुआ, उपन्यास, कहानी है जो नॉवल हम जो जिसको कह रहे हैं, आलोचना, निबंध, संस्मरण, किसी को याद करने के बारे में कुछ हो, मेमोयर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, रेखाचित्र, फिर आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी जिसको हम कह रहे हैं, जीवनी है, डायरी है, यात्रा वृतांत है, ये सारी क्या है, विधाएं हैं किसकी, साहित्य की। तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना ही चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, मतलब दूसरी भाषा आप सीख रहे हैं, पहली भाषा क्या है, मातृभाषा है आपकी, जो मदर टंग है, तो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट क्या होगा, या क्या एक
चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पहला है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, जो आपको टीचर ने आपको रीइन्फोर्स किया है वो सबसे ज्यादा मदद करेगा, या फिर भाषा की परीक्षा, भाई आप टेस्ट ले लेंगे, या फिर अभिवृत्ति मतलब आपके अंदर जो एप्टीट्यूड है भाषा को सीखने का या शिक्षक का रवैया। आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं। दीप्ति वेलकम है आपका भोपाल से। भाषा की परीक्षा या सिर्फ और सिर्फ जब एक तरफ लेके जाए क्वेश्चन तो बात क्या है गलत साबित होगी, कि मतलब आप सिर्फ परीक्षा ले लें ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है भाषा सीखने के विषय में। भाषा का प्रयोग, भाषा को सीखने के लिए आप कितना मोटिवेटेड हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आपका एप्टीट्यूड, जो कि आपका चॉम्स्की भी कह रहे हैं कि हमारे अंदर इनेट एबिलिटी है भाषा को सीखने की, ठीक। तो भाषा की परीक्षा यहां पर सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक, लीस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, मतलब राइटिंग और रीडिंग जो स्किल है आपकी, लैंग्वेज की चार स्किल्स हैं मेन, जिसमें लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना शामिल है, ठीक। लिखना और पढ़ना के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे ज्यादा उपयुक्त है? बहुत बढ़िया अर्चना जी, आंसर कीजिए। पहला है, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, भाई पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना जो है वो जटिल है, या फिर लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना अधिक जटिल है, मतलब लिखना आसान है पढ़ना ज्यादा मुश्किल है, या फिर दोनों कौशल जो है एक दूसरे से एक करके सीख जाते हैं एक के बाद एक, या फिर लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। बात बिल्कुल ठीक है, जितने भी लोग डी आंसर कर रहे हैं, भाई लिखना और पढ़ना अलग अलग तो चलते नहीं है, है ना, अगर देखा जाए तो क्या है, अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। वैसे तो चारों ही कौशल भाषा के इंटर रिलेटेड होते हैं, बट लिखना और पढ़ना समान रूप से इंटर रिलेटेड है। भाई जब आप शब्द पहचान रहे हैं तब भी तो वो लिखा हुआ ही है जिसको आप पहचान रहे हैं और बाद में लिखेंगे, तो दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटरमिंगल्ड है। डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पद्य गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। भाई जो आप पद्य पढ़ते हैं, प्रोज पोएट्री ये सब जो पढ़ते हैं, पद्य और गद्य और जो नाटक हैं, ये सब हमारी कौन सी संवेदना को धार प्रदान करेंगे, मतलब बेहतर करेंगे, इफेक्टिव बनाएंगे, और किस संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के कौन से पहलू को समृद्ध करेंगे, बेहतर बनाएंगे, एनरिच करेंगे हमारे कौन से एक पहलू को, कौन से एक आस्पेक्ट को लाइफ के, तो पहचानिए थोड़ा सा। इसमें दो ऑप्शंस हैं और ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा अपने आप में, जो आज क्वेश्चंस होंगे अच्छे लेवल के होंगे हिंदी के। फटाफट से देखो, मिक्स आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सांस्कृतिक संवेदना को, भाई जो हमारी संस्कृति, जो हमारा कल्चरल आस्पेक्ट है उसको क्या है, उस जो वो सेंसिटाइजेशन है उसको बेहतर करेगा, उसको इफेक्टिव बनाएगा, एक धार प्रदान करेगा। क्या जो हमारा गद्य पद्य और नाटक है, इसमें बहुत सारा मंचन होगा, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी कहानी होंगी, बहुत सारी चीजें हम अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे, और हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करेगा, है ना, जो हमारे अंदर एक नीड भी है एक तरीके से, जो हम एप्रिशिएट करना कह लीजिए या सीखना या नॉलेज की भूख कह लीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन। क्लियर है बात यहां तक की, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कोई एक भाषा डैश लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, तो कोई एक भाषा, कोई एक जो लैंग्वेज है उसको कितनी लिपि में लिखा जा सकता है, 3, सभी, सीमित या 1। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से बहुत बार पूछा गया है। गर्मी बहुत हो जाती है यहाँ, लाइट्स इतनी हो जाती है ना इस रूम में। आंसर कीजिए फटाफट से, इसके बाद करेंगे संडे वार्ता, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हैं ना थोड़ा सा, आप लोगों का भी नहीं है जी जवाब तो। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप, सी 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 सही है, देखते हैं। नहीं 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 नहीं, ये सी सही कैसे हो सकता है, ये तो इतनी बार क्वेश्चन पूछा है पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। अगर हम बात करें जो कोई भाषा है उसको कितनी लिपि या लिपियों में लिखा जा सकता है थोड़ा बहुत फेरबदल करके, तो कितनी भी या सभी, जब आप व्हाट्सएप पर चैट करते हुए लिख रहे हैं कहां हो या कहां है, वॉट एवर इट इज, ठीक। अब ये क्या है, ये है तो हिंदी, है तो हिंदी, देवनागरी में लिखी जाती है भाई, ठीक है, लेकिन आपने इंग्लिश में लिख दिया अपनी सुविधा के अनुसार, तो मतलब कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है थोड़ा बहुत फेर बदल करके, ठीक है। अब एक भाषा को आप देख रहे हैं मल्टीपल लिपि में लिख पाते हैं हम, मतलब देवनागरी में संस्कृत भी है आपकी, ये भी है, हिंदी भी है, इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग, या एक लिपि में कई सारी लैंग्वेज लिखी जा रही है, मतलब किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में या सभी लिपि में लिखा जा सकता है थोड़ा बहुत फेर बदल करके, ठीक है। तो ये बेसिक बात है जो हमें पता होनी चाहिए। हाँ, व्हाट्सएप चैटिंग जो है कुमार ब्रदर्स, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 है, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। लिखित भाषा मतलब वाणी मतलब बोलने में और लिखने में मेन अंतर की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है चेतन होती है लिखित भाषा और देखी जाती है और स्वाभाविक होती है लिखित भाषा। स्वाभाविक तो बोलना होता है, लिखते तो आप फिर भी सोच समझ के हैं। फिर है अचेतन और कालबद्ध। देखिए एक बार ऑप्शन जो है क्वेश्चंस और फिर उसके बाद समझिए। बहुत बढ़िया केदारमल जी, बहुत ही अच्छा नाम है आपका। आंसर कीजिए फटाफट से। मिक्स आंसर्स आ रहे हैं आपके। कौन रोने वाला इमोजी बना रहा है देखूं एक बार, मैं बहुत परेशान हूं। आएंगे आएंगे आराधना जी, अभी एक और वीडियो में बनाऊंगी। स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना शुरू कीजिए, अभी टाइम भी है, आसानी से सीटेट निकाल सकते हो आप या कोई भी एग्जाम। हाँ, लिखित भाषा अचेतन कैसे हो सकती है, खुद सोचो। लिखते टाइम कॉन्शियसनेस में लिखोगे ना, ऐसे नशे में तो नहीं लिखता कोई, ठीक? तो मतलब सचेतन है, कॉन्शियसनेस के साथ लिखी जाएगी, पूरी चेतना के साथ लिखी जाएगी। और क्या होती है, टाइम बाउंड होती है, कालबद्ध होती है। अगर आपने आज एक लेटर किसी को दे दिया ना, तो वो 3 साल बाद भी वो उस टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा होगा जो आज आपका स्टेट ऑफ माइंड बात कर रहा होगा, या जो हिस्ट्री है हमारी, क्या वो क्या है, कालबद्ध नहीं है, टाइम बाउंड हो गई भाई। लिखा हुआ तो वो एक तरीके से प्रमाणिक भी ज्यादा है और आप उसको जीवन पर्यंत रख सकते हैं। तो क्या है, कालबद्ध है, टाइम बाउंड है और ज्यादा कॉन्शियस होता है बोलने की कंपैरिजन में, बोलने की तुलना में जो लिखना है वो ज्यादा कॉन्शियस है, ज्यादा सचेतन है और कालबद्ध भी है, टाइम बाउंड भी होगा। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे भाई। आप बोला हुआ जो भी है उसको आप मोल्ड कर सकते हैं कभी भी, लेकिन लिखा हुआ है जो लिख गया तो वो लिख गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्ष में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि, भाई जो भाषा कक्ष है आपका, भाषा कक्ष यानी कि, एक मिनट थोड़ा और इसको जूम कर लेते हैं। भाषा कक्ष में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए यानी आप इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एनवायरमेंट बनाना चाहते हैं जहां ज्यादातर बच्चों की नीड्स को फुलफिल किया जा सके आपके लैंग्वेज की क्लासरूम में। ठीक है, तो आंसर कीजिए क्या बेहतर होगा यहाँ पर, जरूरी क्या है, बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, मतलब सारी आवश्यकताओं को आप पूर्ण कर दें, या फिर बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, या फिर बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, या फिर बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, बताएं एक बार। मुझे लग रहा है मोटिवेशन आप लोगों की कम हो गई है आजकल कोरोना के डर से, तो टाइम मत वेस्ट कीजिए, ये मत सोचिए कि छुट्टियां हैं और हमेशा रहेंगी, ये टाइम अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो आप पता नहीं कितनी भीड़ से आगे हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन है, एग्जाम्स जो हैं। बी, बहुत बढ़िया, जितने भी लोग बी आंसर कर रहे हैं, देखो सारी आवश्यकताएं आप पूरी नहीं कर सकते किसी की भी, और ये नहीं पता आवश्यकताओं की बात किस टर्म में हो रही है, अगर बी ऑप्शन नहीं होता तो हम चले जाते उसके साथ। बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, तो अगर हम बात करें समावेशी वातावरण मतलब कि बच्चों की, जो हर प्रकार का बच्चा है लगभग उनकी नीड्स फुलफिल हो, तो ज्यादा से ज्यादा जब आप विविध या वैरायटी ऑफ दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह का जब आप इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और क्या कर सकते हैं आप एज अ टीचर, घर से खाना तो ला के नहीं देंगे, ठीक? तो ज्यादा से ज्यादा जो नीड्स हैं, जो उनको प्रॉब्लम है सीखने में, वो दूर होगी उनकी। ठीक, तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। उदारवादी दृष्टिकोण का मतलब आप जो जो कर रहा है उसको वो करने दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, भाई इंक्लूसिव का मतलब है, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि आप बच्चों की ज्यादातर जो नीड्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ डील करना सीख पाएं। ठीक, तो इस केस में आप जितने ज्यादा आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जितने विविध होंगे, जितनी ज्यादा सुविधाएं आपके पास होंगी, उतना बेहतर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। उच्च प्राथमिक यानी कि एलिमेंट्री कह लीजिए, 6 to 8 वाला पीरियड कह लीजिए। अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा को अगर आप क्या कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, टीचिंग ऑफ हिंदी की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक संबंध किस चीज से होगा, मतलब किस चीज पर आप जोर देंगे, पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, या फिर हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, या फिर हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। आंसर कीजिए बहुत ही तेजी के साथ, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ,
देखो, सिर्फ जो बात है यहाँ पर हम भाषा को लेकर के चलेंगे तो पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन, क्योंकि बच्चे जो हैं 11 साल से ऊपर जा चुके हैं, लॉजिक आ चुका है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिटिकल थॉट उनके अंदर डेवलप हो जाए, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन, जिसकी वजह से वो डिसीजंस ले सकें सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए, ठीक, मतलब किसी एक कंक्लूजन पर पहुंच सकें, चैप्टर पढ़ के कुछ एक जजमेंट ले सकें, कुछ अपना एक पॉइंट दे सकें, ठीक है। तो सिर्फ अनिवार्यता नहीं होगा कि सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता, मतलब बिल्कुल कंपल्शन है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करो ही करो या क्रिएटिविटी निकाल करके ही लाओ, तो ये कंपल्शन की बात, अगर अनिवार्यता की बात नहीं होती तो हम एक बार को इसके साथ चले जाते हैं।